2014 अगस्त जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हमने पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 50 वर्ष सुवर्ण जयंती महोत्सव मनाने का तय किया है। यह महोत्सव प्रत्येक हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान देने का संकल्प का होगा। सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान। समृद्धि का अर्थ है कि प्रत्येक हिंदू को खाना, शिक्षा, आरोग्य और रोजगार। सम्मान का अर्थ है अयोध्या में राम मंदिर, एक भी गाय कटेगी नहीं, एक भी हिंदू का धर्मांतर नहीं होगा। और यह तीन संकल्प लेकर महोत्सव, सुवर्ण जयंती महोत्सव अभियान चलेगा। जन्माष्टमी के दिन भारत में 5000 स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना निमित्त शोभा यात्रा निकलेगी। नवंबर में दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जिसमें दुनिया भर के हिंदू डेलीगेट आएंगे, नवंबर से फरवरी देश के सभी डिस्ट्रिक्टों में 500 से ज्यादा जिला सम्मेलन होगा। मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली और कलकत्ता में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे। कल अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को मुफ्त में भंडारा से खिलाने वाले लोगों पर जिस प्रकार से बर्बर हमले हुए हैं, उन हमलों ने मुगल शासन की याद हमें करा दी है। यह शर्म की बात है कि यात्रा करने जाने वाला हिंदू और उनको खिलाने वाले को मार डालने का प्रयास यह देश में कुछ लोग कर पा रहे हैं। मेरी मांग है कि यात्री और भंडारा वालों पर हमला करने वाले सभी को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको अविलंब सजा करवाए और केंद्र सरकार अपने कोई अधिकारी को भेजकर तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले को दंड देने का सुनिश्चित करे। यदि तीर्थ यात्रियों पर आगे हमले हुए और उनकी प्रतिक्रिया में देश का हिंदू ईटा पत्थर लेकर निकला
तो उनकी जिम्मेदारी तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वालों की होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों गांवों से तीर्थयात्री गए हैं, उनको मार डालने का प्रयास करोगे तो उस जिस गांव से यात्री गए हैं वह गांव में उनके रिश्तेदार और समर्थक हथियार लेकर सड़कों में उतरे तो परिस्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं मुसलमानों को चेतावनी दे रहा हूं कि गुजरात शायद आप भूल गए होंगे, पर मुजफ्फरनगर आप नहीं भूले होंगे। हिंदुओं की सौजन्यशीलता को कायरता मानने का दुस्साहस मत करो और मुजफ्फरनगर का हमेशा के लिए स्मरण करो। हाफिज सैयद मुंबई के हमले का एक आरोपी है। हाफिज सैयद को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। हाफिज सैयद ने भारत के विरुद्ध जिहाद मानी आतंकी हमले का ऐलान किया है। और कोई पत्रकार है तो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट भारत पर आतंकी हमले करने की घोषणा करने वाला और मुंबई में निर्दोष भारतीय नागरिकों को मरवाने का काम करने वाला, उनको पत्रकार को भी मिलना कितना उचित है? देश के हित के संदर्भ में क्या है वह सोचने की जरूरत है। यदि हम में साहस है तो हाफिज सैयद को गले में रस्सी बांध कर भारत में लाओ और न्यायालय में केस चलाकर दिल्ली में उनको फांसी पर चढ़ा दो, वह देशभक्ति है। देश के शत्रु हाफिज सैयद के गले में रस्सी बांधकर पकड़कर लाकर फांसी पर चढ़ा देना, यह देशभक्ति है। उनके साथ चाय और बिरयानी पीना वह कोई देशभक्त नागरिक उचित नहीं करेगा। और हमारी अपेक्षा भी केंद्र सरकार से है, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री से प्यार चलता है तो हाफिज सैयद को रस्सी बांधकर दिल्ली में लाकर फांसी पर चढ़ा दो, फिर पाकिस्तान की धरती पर भारत के विरुद्ध आतंक की आग उगलने वाला कोई दूसरा हाफिज सैयद पैदा नहीं होगा और पाकिस्तान की धरती पर से भारत के विरुद्ध आतंक बंद हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान प्रेरित आतंक बंद करने का एकमात्र टर्म्स ऑफ रेफरेंस है हाफिज सैयद और जो सरगने वहाँ पर है उनको भारत में लाकर फांसी पर चढ़ा दो, पाकिस्तान के धरती पर से कोई आतंकवादी फिर से खड़ा नहीं होगा। करोड़ों जनता की बहुत विषयों पर उम्मीद है और उम्मीद के आधार पर लोगों ने वोट दिया है। अच्छे दिन की उम्मीद पिछली सरकार का भी और अच्छे दिन सभी महंगाई से लेकर रोजगारी से लेकर समान नागरिक संहिता से लेकर राम मंदिर सभी प्रश्नों पर अच्छे दिन आएंगे, वह आशा से और विश्वास से लोगों को वोट दिया है। मेरा कहना है कि विश्वास पर जरूर खरे उतरेंगे और जितने वादे किए हैं महंगाई कम करने से लेकर रोजगार देने से लेकर राम मंदिर के यह पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा तो विश्वास है।